आप सब, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखास किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मजे में हूँ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ चिकन चीज बॉल्स। बढ़िया से क्रिस्पी बनते हैं, मजेदार से बनते हैं, जरूर बनाइएगा। और चटनियों की थोड़ी सी रेसिपी मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, बनाए खाएं मजे करें। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी क्विकली, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए 250 ग्राम चिकन कीमे को अच्छे से धो लीजिए, नितार कर 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर साइड पर रख दीजिए। उसके बाद हल्के हाथ से इस तरीके से जो एक्सेस पानी है निकाल लीजिए हाथों की मदद से इस तरीके से, और मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए, आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1/4 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कोथमीर यानी कि हरा धनिया। मिक्सर जार का ढक्कन लगा दीजिए और इस तरीके से एकदम बारीक पीस लीजिए। और अब इसे एक प्लेट या फिर बड़ी सी पातर के अंदर निकाल लीजिए ये कीमे के मिक्सचर को। हाथों को तेल से ग्रीस कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं बॉल्स बना लेती हूँ, मिक्सचर को डिवाइड कर लेती हूँ इक्वल पोर्शन के अंदर। आप कम या ज़्यादा, बड़े या छोटे अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक बॉल लीजिए, इसे बहुत अच्छे से मिडल से बीच में से चपटा कीजिए इस तरीके से, और फिर खुरची हुई चीज़ डाल दीजिए खूब सारी बीच में इस तरीके से। आप चाहें तो मोज़रेला डालें, आप चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ डालें, या फिर आप प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने ये पिज़्ज़ा चीज़ डाला है। और इस तरीके से इसे सील करते हुए बॉल का शेप दे दें और ये बन गया हमारा एक चिकन क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल। और इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे बना लीजिए। तकरीबन 250 ग्राम में 8 बने हैं, आप देख सकते हैं। अब आगे का प्रिपरेशन करते हैं। एक बाउल के अंदर एक अंडा डाल दीजिए, 1 से 1.5 टेबल स्पून दूध डाल दीजिए, नमक हल्का सा डालकर बहुत अच्छे से फेंट कर इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक चिकन चीज बॉल लीजिए, इसे अंडे के अंदर बहुत अच्छे से उलट पलट करते हुए लोटिए और इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल दीजिए, और ब्रेड क्रम्स में भी बहुत अच्छे से वेल कोट कीजिए चारों ओर से। जब वेल कोट हो जाए, अच्छे से प्रेस करते जाइएगा, जब वेल कोट हो जाए तो इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे हमारे क्रिस्पी चिकन चीज बॉल्स बना लीजिए। अब सबसे पहले तो सारे बन जाए ना, तो आप 1 घंटे के लिए एज इट इज फ्रिज में रख दीजिए। जब 1 घंटा हो जाता है तो आप निकाल कर चाहें तो उसी समय फ्राई करना है तो फ्राई कर लीजिए, या फिर मेरी तरह इसे फ्रीज कर लीजिए। मैं क्या कर रही हूँ, एक जिप लॉक बैग के अंदर अब 1 घंटे के बाद इन्हें डाल देती हूँ और इन्हें जिप मार के ऊपर रख देती हूँ फ्रीजर के अंदर। आप तकरीबन इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख के खा सकते हैं। वैसे मैं कल बना रही हूं। अब एक कढ़ाई के अंदर चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और अच्छा तेल गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये बॉल्स जो है हमारे चिकन चीजी क्रिस्पी वाले, ये डाल दीजिए और इसे स्लो से मीडियम के हल्के अंदर में ही फ्राई कीजिएगा। हाँ, तकरीबन 6 से 6.5 मिनट तक इसे फ्राई कीजिए, क्योंकि चिकन गली हुई नहीं है, इसमें चिकन पकना बहुत ज़रूरी है। 6-7 मिनट उलट पलट करते हुए इसे पकाएं, और मीडियम आंच पर भी मत पकाएं। जब अच्छा तेल गर्म हो जाए तो स्लो कर दें, क्योंकि वो बाहर से जल जाएंगे, ज़्यादा लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगी। तो इसके लिए आप स्लो से मीडियम आंच के दरमियान रखें, उलट पलट करते जाएं, 6 से 6.5 मिनट हो जाए तो लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो जाएंगे ये, तक 6.5 मिनट के बाद निकाल लें और इसे टिश्यू पेपर के ऊपर नितार कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए बैचेस के अंदर। आपने देखे एक भी फूटे नहीं है, माशाल्लाह परफेक्ट बने हैं, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सारे बन गए हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह, है ना। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह क्या चीज ऊज आउट हो रहा है, बढ़िया सा मजेदार सा। आप चाहें तो कोथमीर पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें हरी वाली, या फिर मैंने 5 मिनट इंस्टेंट रेड चिली चटनी भी बनाई है, मेरे चैनल पर अपलोड की है, वो दोनों के लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाए तो जरूर शेयर करें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा ये वीडियो के। और बस फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।